फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज बारी है क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 2 के एसिड बेस साल्ट चैप्टर के इस टॉपिक जिस पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो एसिड होते हैं जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं साल्ट का, और जो उनके साथ जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि जब एसिड होते हैं, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको जब आप कभी भी कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ये इस चीज़ की जो फीलिंग है वो आने लगेगी। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल जो नॉर्मली मेटल होते हैं वो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होते हैं। मेटल जो होते हैं जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है बेसिक नेचर का फॉर्मेशन करना। एसिड जो होते हैं वो नॉन मेटल के से ही फॉर्म होते हैं। नॉन मेटल से जाना ज़्यादातर जो एसिड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर HCl की बात करें हम, तो जो HCl बना हुआ है इसमें नॉन मेटल Cl है और इसे H मिल के बना हुआ है HCl, और ये बनाया हुआ है इसने एसिड। तो एक तरीके से हम ये कहें तो ये जो रिएक्शन हो जाती है वो एसिड और बेस के जैसे ही रिएक्शन होती है, लेकिन बट एक्चुअल रिएक्शन नहीं है। आपको एक चीज़ पता है कि जब एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो आपको साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो उस कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि साथ में वाटर भी रिलीज़ होता है, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर मेटल के साथ पूरा का पूरा यहाँ पर बेस तो है नहीं। ठीक है, तो जब पूरा बेस नहीं है, सिर्फ उसके जगह पर यहाँ पर सिर्फ मेटल है, तो यहाँ पर वही जो चीज़ होगी सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अभी भी मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये आपको इसके याद करने के लिए है, अदरवाइज़ इसको तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हो चाहो तो आप, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसको फिर से भूलते रहोगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी, अगर मैं ये कहूँ कि एसिड बेस की जो कंबाइंड रिएक्शन होती है साल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करने की, ये उसका 100% तो नहीं लेकिन उसका 90% जरूर भाग होता है, उस तरीके से इतना कवर करता है। यहाँ पर वाटर न फॉर्म होके यानी H2O न फॉर्म होके सिर्फ H2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है, किस प्रकार से होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज ZnCl2। एक आधा पार्ट यहाँ पे मेटल है, दूसरा पार्ट नॉन मेटल है। ये आपका पॉजिटिव आयन बनाते हैं और ये निगेटिव आयन बनाते हैं। वेन दे विल कम्बाइन टुगेदर, जिंक की जो बैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 2 Cl निगेटिव, Cl की जो होती है -1 होती है, तो यहाँ पे 2 Cl आएंगे जिससे न्यूट्रलाइज या एक न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा दैट इज ZnCl2। अगर आपने 9th क्लास में वैलेंसी से फार्मूला बनाना सीखा है तो आप इसको समझ जाएंगे। साथ में यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, और ये जो रिएक्शन है पूरी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हम सोडियम को रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। व्हेन सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन NaCl विल बी फॉर्म। अगर आप खुद से भी ट्राई करें तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा, साथ में H2 गैस रिलीज करनी। तो आप कैसे रिएक्शन करेंगे, आपको जब रिएक्शन करने की बारी आएगी तो आपको अगर रिएक्शन दिया जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे वो आप ध्यान में रख लिए। यू विल राइट हियर सोडियम, अगेन यू विल राइट HCl, एंड आफ्टर रिएक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिलीज H2 गैस। ओके, बिकॉज यू नो दैट मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ अ एसिड, मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड, सो H2 गैस विल बी फॉर्म। नाउ आफ्टर रिलीजिंग H2 फ्रॉम हियर you are getting two ions, one is positive and other is negative, then which type of compound you may form, you have to form the salt, so definitely you will form NaCl। अब जब खुद से इनको प्रयास करेंगे तब आप ये रिएक्शन को कर सकते हैं। अब आप जब बैलेंस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा नंबर में कौन है, सबसे मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ 2 लगाएंगे। अब आप चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NaCl है, इधर 2 Cl हो गए तो यहाँ भी 2 Cl करना, आप यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब देखेंगे फिर से अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए सेम वही रिएक्शन मिलेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगला है आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ HCl, सो इट इज़ फॉर्मिंग अगेन। यू विल डू द सेम इन दिस मैनर, मैनर विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ओके, हाइड्रोजन गैस पहले रिलीज होगी, फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें FeCl2 फॉर्म होगा। आयरन जो होता है वो दो तरह के जनरली ऑक्साइड बनाता है, एक Fe
प्लस टू भी बनाता है और Fe प्लस थ्री भी बनाता है, लेकिन Fe प्लस थ्री बनाना जनरली थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ज़्यादातर केस में आपको Fe प्लस टू ही देखने को मिलता है। जब हाइड्रोजन यहाँ पर जब व्हेन जिंक इज गोइंग टू रिएक्ट विद H2SO4 इट इज़ अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा रिएक्शन हो ही, कभी कभार वीक एसिड होते हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, तो इस केस में जैसे जिंक आप ये जो जिंक का एग्जांपल है आपके उसमें बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, इस एक्सपेरिमेंट को खुद नहीं करना है, आपको टीचर के प्रेजेंस में करना है, जिससे आप उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से आप कर सकें, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना ये बहुत एक्सप्लोजिव होती है जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको तरीके से इवॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको खुद कभी भी नहीं ट्राई करनी है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन द रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोजिव, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड एट दैट टाइम। ओके, सो हेयर जिंक इज गोइंग टू रिएक्ट विद H2SO4, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिलीज H2 बिकॉज मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड एंड द साल्ट इज फॉर्म, दैट इज जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 साल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। नाउ कम टू द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, एसिड का रिएक्शन जो है वो हम मेटल कार्बोनेट के साथ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होंगी आइए इसको हम देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे CaCO3 आपने सुना होगा, CA क्या है, कैल्शियम इज अ मेटल, CO3 इज कार्बोनेट, CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं, और CO3 2NH2 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट है दिस इज CaCO3 दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड, यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फिर से रिएक्शन सेम उसी तरीके की होगी, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, देखिए मेटल कार्बोनेट का भी जो नेचर होता है दैट इज ऑफ बेस टाइप, यानी लगभग बेस के जैसा ही होता है जो कार्बोनेट होते हैं उनका, लेकिन ये एक तरीके से पूरी तरीके से बेस नहीं होते हैं। मेटल का जो भी पोर्शन होगा वो आपका बेसिक चीज़ ही प्रोडक्ट बना के देगा, तो अगेन अगर आप इसको देखें तो दिस इज रिएक्शन ऑफ बेस प्लस एसिड, अगेन इट विल गिव यू द साल्ट एंड वाटर, बट वन थिंग इज चेंज हियर, क्या ये प्योर बेस था, नहीं, तो इसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या था, इसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे देखिए आप जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हम जब भी हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वाटर और CO2 गैस हमेशा मिलती है, वाटर और CO2 गैस हमेशा मिलती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यू विल गेट अ साल्ट, मेटल साल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ओके, सो यू कैन सी दैट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैट कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर व्हेन इट इज रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बस इतना देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज गिविंग कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस। नाउ यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 से। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वाशिंग सोडा, इसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, Na2CO3, और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 से, तो यहाँ पे बनाएगा Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, साथ में वही जो हमने ऊपर बात की थी कि जब कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, साथ में एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एसिड, सो इट विल रिएक्ट रिलीज कैल्शियम क्लोराइड CO2 एंड H2O। सो यू विल हैव टू नोट डाउन दिस रिएक्शन इन द सेम मैनर, बिकॉज इन NCERT यू विल फाइंड द लेस नंबर ऑफ इक्वेशन, सो यू विल हैव द लेस कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड वेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाई योर सेल्फ एंड वेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन सिक्वेंस मैनर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर डीपली। ओके, सो योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद द Na2CO3, दिस इज वाशिंग सोडा इज रिएक्टिंग विद द HCl एंड दिस विल गिव यू NaCl CO2 एंड वाटर अगेन। Again, magnesium carbonate is reacting with the HCl that will give you the magnesium chloride and CO2 and H2 also. Now, nitric acid HNO3 is reacting with the sodium carbonate. This is acid. This is the metal salt. Metal carbonate. So, after reacting, this will form metallic salt. यहाँ पे form का होगा, यहाँ पे NaNO3 बनेगा और साथ में water और carbon dioxide यहाँ पे release होगा. So
इन दिस वे यू विल हैव टू व्हाट आई से स्टडी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सो आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन ऑल दिस रिएक्शन इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन रिवाइज इट व्हेन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट टाइम. इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप इस सीक्वेंस में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं. तो हम आपको जो जो ट्रिक बताते जा रहे हैं आप उनको ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है. तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप अपने अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारी जो टीम है उसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं जिससे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आएँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए. और जो दोस्त आपके इसको पढ़ने में जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, जिनको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जाती है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करिए. इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में.